एनआईईपी के प्रोफेसर नवजा अख्तर ने गुरुवार को जामिया मिलिया इस्माइलिया यूनिवर्सिटी के पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त की गई। 1920 में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी महिला को कुलपति बनाया गया है। विश्वविद्यालय की 16वीं कुलपति दिल्ली में किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर भी है। अख्तर ने तलत अहमद के स्थान ग्रहण किया है जो अब कश्मीर विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में काम करेंगे। जामिया के पीआरओ अहमद नजीब ने एक बार बयान में कहा था कि यहाँ शैक्षिक नियुक्ति के इतिहास पर एक प्रतिशील मील का पत्थर है जो जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए एक गर्व की बात है। पद नियुक्त होने के बाद आजमी ने यह भी कहा कि अख्तर एनआईईपीए में शैक्षणिक प्रशासनिक विभाग की प्रमुख है जहाँ उन्होंने 15 वर्ष तक काम किया है। उन्होंने एनआईईपीए में 15 वर्षों से अधिक 130 देश के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थानों का पाठ्यक्रम की खोज करने में अत्यंत योगदान दिया है। उन्होंने देश के बेहतरी के लिए इलाहाबाद में पहले राज्य स्तरीय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट यानी SIEMET को डेवलप भी किया है। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में निर्देशक शैक्षणिक कार्यक्रम का नियंत्रण जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर भी काम किया है। इग्नू में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई कोर्सेज को नियुक्त किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑपरेशन। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.